गाइस, आज हम जा रहे हैं देहरादून शादी में। मेरे एक भाई की शादी, कजन भाई की शादी है, चाचा की लड़की की शादी है पेरेंट्स की। तो हम जा रहे हैं दिल्ली से देहरादून, ठीक है। और हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं? ये हमारी ताई जी है, ठीक है गाइस। और ये मेरे भैया हैं, पीछे एक भाभी सो रही है, और ताऊ जी हैं, और मेरा भाई भी बैठा हुआ है। हम जा रहे हैं देहरादून, तो हम आपको दिखाएंगे पूरा व्यू रास्ते का, कैसे कैसे है रास्ते। यहाँ पे हाईवे पे हमें फिलहाल, तो हम अभी ये देखिए हमारे बगल से गाड़ी आएगी, ये देखिए गाड़ी, ये MG हेक्टर है। सो अब हम आपको धीरे धीरे दिखाते रहेंगे कौन कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं। यार ये कोई नहीं, चलो नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं। ये लगा हुआ है हॉल, इसे कहते हैं हॉल कोहरा। दिल्ली में लगा हॉल। दिल्ली से जा रहे हैं हम ऋषिकेश, रास्ते मिला में हॉल। मस्त हो रहा है नजारा, ये देखिए आ रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है। पहुंच गए हैं, रुड़की पहुंचने वाले हैं। यहाँ सुबह हो चुकी है, ये देखिए आधे लोग यहाँ सो के उठ के हैं और आधे लोग नींद आ रही है। देखिए आगे बैठ के सो रहे हैं लोग, ऐसे तो लोग हैं हमारे साथ में। यार क्या बताएं आपको, मजा आ रहा है। हम आपको व्यू दिखाते हैं बाहर का, ये देखिए क्या व्यू आ रहा है। सामने सूरज दिख रहा है मस्त सा, और इसकी लालिमा दिख रही है। अब हमें अभी यहाँ से करीब 2 घंटे और लगेंगे देहरादून पहुंचने में, करीब 100 किलोमीटर के आसपास रह गया, 95-100 किलोमीटर। अब हम आ गए हैं सहारनपुर, पहुंच चुके हैं। थोड़ा अपने चाय नाश्ता करते हैं गाइस। तो हमने मंगवाए हैं आलू के पराठे, हमें यहाँ पे तंदूरी वाले नहीं मिले, तंदूरी इनका भी चल रहा था, तो हमने मंगा दिए नॉर्मल तवे के पराठे। तो और मंगाई हमने चाय और तवे के आलू पराठे मंगाए हैं, 4 पराठे मंगाए, देखते कौन कौन खाता है। लप्पू ने मना कर दिया, मैं नहीं खा रहा। तो ताऊ चलेंगे बीड़ी भी खाएँ, जैसे बीड़ी नहीं भी नीचे बट अब चले जाते हैं बीड़े, कोई बात नहीं। और मैं और कंधा बैठे हैं फिर। अब हमें यहाँ से भी 1 घंटा और लगेगा देहरादून पहुँचने में, फिर देहरादून पहुँच के फिर वहाँ जाएंगे हम घूमने। अब देखते हैं क्या प्लान बनता है, कहाँ का जाते हैं। वैसे हम वहाँ घूमने के लिए पहुँच गए हैं, हम वहाँ से गुच्चू पानी है, सहजदारा है, मसूरी है, सर जॉर्ज है, कहीं भी जा सकते हैं घूमने। देखते हैं क्या प्लान बनता है, फिर वहाँ पहुँच के फिर बताते हैं। कहते हम हमारा नाश्ता आ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। हमारा नाश्ता आ चुका है, ये है आलू के पराठे, चाय, ये देखिए एक और आ गया हमारा पराठा। सब्जी वाला है नाना, ये लपुरा। हाँ बस ठीक है ठीक है। गाइस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम बस रेडी हो रहे हैं यहाँ से, और हमें करीब यहाँ से 1 घंटा और लगेगा देहरादून जाने में। फिर देहरादून पहुँच के फिर हम सोचेंगे कुछ प्लान बनाएंगे कहीं जाने घूमने का, देखते हैं कहाँ जाते हैं। और चलो अब आप हम आपको रास्ते का व्यू दिखाते हैं और बढ़िया बढ़िया कैसा व्यू है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गए हम देहरादून पहुंचने वाले हैं, ये देखिए रास्ता, यहाँ पे आर्मी की गाड़ी आदमी दिखती है, अंदर दिखते हैं गाड़ी आ रही है, उत्तराखंड परिवहन निगम। यहाँ से मसूरी है 54 किलोमीटर, देहरादून 21 किलोमीटर, चक्राता 106 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम जा रहे हैं देहरादून, ये पड़ता है, ये देखिए रास्ता, व्यू देखिए, यहाँ का व्यू शानदार व्यू देखिए, क्या पहाड़ है, जंगल है, नदी है, बट नदी
नदी में अभी फिलहाल पानी नहीं है। अब हम जब हम देहरादून पहुंच गए, ये हमारा टनल आ गई है देहरादून की। छोटी टनल है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बट टनल स्टार्ट है। ये हम टनल में गए, हम पहुंच चुके हैं टनल के अंदर। ना छोटे से ही आधे किलोमीटर का सुरंग के अंदर पहुंच चुके हैं। इनको ज्यादा बाकी हो रहे थे, वही दिन इनको ज्यादा बाकी हो रहे हैं, बीच में आ जा रहे हैं। चंडीगढ़ से आए हैं, ज्यादा बाकी हो जा रहे हैं, जल्दी हो रही जा रहा है। बस ये हुआ हमारा टर्न खत्म। देहरादून डिपो ये देखिए हमारा, अब ये हमारा बटन खत्म, पहुंच चुके हैं देहरादून में। बस देहरादून में एंट्री कर ली हमने, बट थोड़ा बहुत जाम मिल रहा है। हम देखो देहरादून पहुंच चुके हैं अब, बट हमें एक प्रॉब्लम हो गई, हम भटक गए हैं थोड़ा सा, हमें उनका रास्ता नहीं मिल रहा घर का। एक्चुअली हमें एड्रेस ही नहीं पता, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, तो हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है। छह किलोमीटर दिखा रहा है, बट अभी गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं, 6 किलोमीटर दिखा रहा है हमें वो। तो अब देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक भी लगा हुआ है यहाँ पे, हल्का हल्का चल रही गाड़ी। तुम इस टाइम देहरादून आ रहे, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं, सो गाइस हम फाइनली देहरादून। अरे मुझे नहीं दिख रहा ना, फिर ऐसे यहाँ पे लगाने वाला चेता है। सो गाइस देखिए ये है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, गाड़ी लेफ्ट में ही जा रही है रोड। तो गाइस देखिए ना गाड़ी की सेल लगी, गाइस देखिए देखिए ये देखिए स्विफ्ट देखिए गाइस, ओ माय गॉड, वरना भी खड़ी है वैगनार खड़ी, गाइस सब सेल पे लगी गाइस। ये जीडी गोयनका का टीवी में, ये भोले के लिए बना रहे हम गाइस। देखिए भोला हमारा, देखिए गाइस गाइस भोला तो सांची की भी लड़ाई होता है, ये अपना ही देखता है, ये अपना ही देखता है। भोला को हम लाना चाहिए था यहाँ पे गाइस, भोला खुश हो जाता है हमारे साथ। नेक्स्ट ट्रिप में भोला को पक्का लेके आएंगे हम, आपको मजा आएगा, भोला को लेके आएंगे हम। हम पहुंच गए, पहुंच चुके हैं देहरादून। देहरादून ये देखिए, पीछे आपको व्यू दिखाते हैं कहाँ जाना है। वो पीछे कहाँ है हमारा, वो वहाँ हो रही है शादी, वहाँ घर है, वहाँ पे आए हम। और ये हमारे भाई हैं, हमें लेने आए गोलू उर्फ गनेल उर्फ गौतम, गौतम गंभीर है हमारे, ये बेस्ट भाई के। भाई का इंस्टा देखना भाई, क्या क्या गजब है भाई यार, गजब, आपको मजा ही आ जाएगा देख के। भाई का इंस्टा जरूर देखिएगा, ठीक है, गौतम 203। हाँ गौतम 203, फॉलो फॉलो जरूर करना भाई को, और लड़कियां को ज्यादा फॉलो कर लेना यार भाई, थोड़ा अपना शर्मिला सा है, चल जाएगा काम इसका भी, ठीक है। फिर हम आपको दिखाएंगे घर कहाँ पे है, ओके। आएंगे वो राहुल कपिल, वो बाद में आएंगे। यहाँ पे आए हम शादी में, ये है त्रिभुवन बिष्ट, वो ऊपर दूल्हा दिख रहा है आपको, वो लग रहा है पूरा, वो वहां पे है दूल्हा। ये यहाँ पर इन्हें मस्त बना रखा है, और यहाँ पे नाश्ता चल रहा है, हम बस पहुंचे भी नाश्ता कर रहे थे। अब ये दो बार नाश्ता करते, देखिए अभी वहाँ पे पराठे पेल के आए, यहाँ पे फिर पूरी सब्जी और पेल रहे, देखिए कह रहे हमने हमारा पेट नहीं भरा, कह रहे देखिए इतने गधू हो गए खा खा के। अरे देखिए यहाँ पे सारे सारे लोग, ये घर है, देखिए यहाँ पे शादी। हाँ आज ये देखिए हमारी चाची आ रही है। देखो अब हम पहुंच चुके हैं शाम को यहाँ पार्टी में, आज यहाँ कॉकटेल पार्टी है। और ये देखो सब आए हैं, गांव से लोग आए हैं हमारे, ये हमारी ताई जी है, अम्मा है, ये चाची है और एक और चाची है, ये सब गांव से आए हैं हमारे। ये मेरी ताई जी जो हमारे साथ आई थी, और ये मेरी बहन है छोटी बुल्ली है मेरी, बुल्ली तो देखो इनका नाम है, क्या नाम है आपका, भूमि। और ये देखो ये बॉय तो हमारे साथ ही आई थी, ये मेरी बुल्ली, ये तन्नू है, ये मेरी चाची है, और ये मेरी बुआ है, ये कलकत्ता से आए हैं, कलकत्ता से। और ये मेरा भाई राहुल, और एक कन्ना है, नमस्ते। हमारे मिनी ब्लॉग में ये होटल खेलो, होटल खेलो।
तो गाइज हम अब वापस दिल्ली को जा रहे हैं। शादी हो गई, शादी वादी हो गई है। शादी में पूरा आपका सब दिखाएंगे, नहीं सब दिखाएंगे आपको, सब सब शॉट बना के हमने सारे आप सब कुछ आपको दिखाएंगे, क्या क्या शादी में कैसे कैसे शादी हुई है और भी बहुत कुछ दिखाएंगे आपको, कहाँ कहाँ गए थे, सब घूमने भी गए हैं यहाँ पे लोग। और अब दिल्ली को वापसी है हमारी, सो हम आपको दिल्ली का रास्ता दिखाते हैं थोड़ा। आज दिन में जा रहे हैं हम, तो दिन का व्यू भी दिखाते हुए जाते हैं आपको। ये हाईवे है, सहारनपुर हाईवे है ये, ठीक है। चलो हम आपको दिखाते हैं दोबारा से। गाइस गाड़ी चलाते हुए सर में हो गया दर्द, अब हमें लगी भूख और हम आए हैं गरम धर्म में खाना खाने। तो अभी हमने ऑर्डर किया है पनीर बटर मसाला और मिक्स वेज और दाल मखनी, और साथ में हमने ऑर्डर किए हैं, क्या ऑर्डर किया हमने, नान बटर नान ऑर्डर करें। बहुत सर में दर्द हो रहा है यार, गाड़ी चलाते हेडेक हो गया बिल्कुल। अब हमारा खाना वेट कर रहे हैं हम बहुत देर से, और देखो हमने थाली रेडी रखी बड़ी हमारी, यहाँ सब कुछ खाते हुए सभी बैठे हुए वेट कर रहे हैं खाने का, कब हमारा खाना आएगा, नहीं आ रहा खाना, हम खाने का वेट कर रहे हैं कब मिलेगा ये गरम धरम। ये देखिए मैं आया गरम धरम में, ये गाना आ चुका है। ये आ गए हमारे नान और ये हमारी सब्जी एक, ये दूसरी सब्जी दाल मखनी और ये हमारा मिक्स वेज। सो हम स्टार्ट करेंगे खाना, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या खाना। हमारी सब्जी पनीर हमारा खत्म हो गया है, हमारे लिए पनीर बचानी और दाल मखनी है, और ये सब खा रहे बहुत भूख लगी सबको, लगे हुए सब खाने में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। चलो अब हम भी खाना खाते हैं, ठीक है।